वेलकम टू माय चैनल इन सिंपली रूप। मार्केट वाले हेयर मास्क में केमिकल्स होते हैं और कॉस्टली होते हैं। घर वाले हेयर मास्क या तो कई बार चीजें नहीं होती घर में अवेलेबल मास्क बनाने के लिए, या फिर हमारे पास टाइम नहीं होता, कौन इतना टाइम निकाले बनाए और लगाए। सो आज मैं आप लोगों के साथ एक हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ जो कि बिल्कुल देसी है। देसी इसलिए क्योंकि इसका बनाने का मेथड, बनाना कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल है, लेकिन रिजल्ट इतना ऑसम वाला है, आपकी सारी की सारी हेयर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेनिफिट्स मैं एंड में बताऊंगी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेयर मास्क लगाने से पहले मैं अपने बालों को अच्छी तरह से कॉम कर लूँगी और सारी उलझने निकाल लूँगी। और एक टिप है, जब भी आप हेड वॉश लेते हो ना तो अपने बालों को ज़रूर कॉम कर लीजिए, क्योंकि जब आपके बाल सूख जाते हैं, सूखने के बाद उलझने कम पड़ते हैं और बाल टूटते कम हैं। तो कॉम करने के बाद अब मैं ले रही हूँ फ्रेश एलोवेरा जेल का एक लीफ। जी हाँ, ताज़ा पत्ता मैंने लिया है जिसको मैंने सेंटर से कट कर दिया है। और इसको हमने कोई ग्राइंड ग्रून ब्लेंड ब्लूंड नहीं करना, जस्ट इसको डायरेक्टली अपने बालों पर लगाना है, क्योंकि देसी हेयर मास्क है भाई, तो थोड़ा सा मेथड देसी होगा ना। तो इसको मैंने अपने बालों पर इसी तरह से स्कैल्प पर और बालों पर मैंने रब करते जाना है, सेंटर पार्टीशंस कर करके अच्छी तरह से इसकी कोटिंग कर लेनी है। और मैं आपको प्रेफरेबली ये बोलूँगी कि आप मार्केट वाली जो रेडीमेड जेल्स होती हैं उनको मत यूज़ कीजिए, लीफ को ही यूज़ कीजिए, इससे आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे। अपर लेयर जब लग जाएगी ना, तो जो सेकंड लेयर होती है उसको नेल से थोड़ा सा स्क्रैच कर लीजिए, फिर जेल बाहर निकलेगा, तो बड़ी ईजली ये आपके बालों पर कोट हो जाएगा। है ना थोड़ा देसी सा मेथड, लेकिन मतलब आप इग्नोर नहीं कर पाओगे इसको, मतलब आप ज़रूर करके देखना, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। बस इसको आपने कोटिंग कर लेनी है बालों पर अच्छी तरह से। जब आपके पूरे बालों पर अच्छी तरह से कोटिंग हो गई है स्कैल्प पर और बालों को, इसको आपने टाई नहीं करना है बालों को, इसको लगभग 10 मिनट तक इसको सेमी ड्राई होने देना है, क्योंकि आपके बाल पूरे गीले हो चुके हैं, मतलब इतना आपने कोटिंग कर लेनी है कि बाल आपके गीले हो जाएँ। सो 10 to 15 मिनट्स इनको मैं थोड़ा सा सेमी ड्राई होने दूँगी, देन हम चलते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ। अब आफ्टर 10 मिनट्स मेरे बाल जो हैं वो हल्के हल्के ड्राई हो गए हैं। अब मैं हल्का गुनगुना मस्टर्ड यानी कि सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, जिस लगभग 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसको लिया है। और इसको हमने अपने बालों पर, अपने स्कैल्प पर रब नहीं करना, फिंगर्स को डिप कर करके जेंटली फिंगर्स को अपने बालों के बीच बीच में से इस तरह से निकालना है, इस तरह से लगाना है, क्योंकि हमारे बाल जब गीले होते हैं, हमारा स्कैल्प जब गीला होता है ना, तो बालों की रूट्स जो हैं सेंसिटिव हुई होती हैं, तो इनको हमने रब नहीं करना, मसाज नहीं करना, बस हमने कोटिंग करनी है, मसाज नहीं करनी है। बालों की स्कैल्प पर भी लगा लिया और बालों पर भी मैंने इसको अच्छी तरह से कोट कर लिया ऊपर से लेकर एंड्स तक। बस इनको अब हम जूड़ा बनाकर टाई कर लेंगे और लगभग 30 to 40 मिनट्स मैंने इसको लगाकर रखना है। फिर मैं नॉर्मल शैम्पू से शैम्पू कर लूँगी और कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं है, और रिज़ल्ट अभी दिखाती हूँ आपको। हाँ जी, तो रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। इसको लगाने के बाद बाल एकदम से सॉफ्ट और शाइनी हो जाते हैं। सो सबसे पहला फायदा, अगर आपके बालों में बहुत जल्दी ऑयल आ जाता है, मतलब दूसरे ही दिन बाल शैम्पू करने वाले हो जाते हैं, चिपचिपे से जुड़े जुड़े से हो जाते हैं, तो इस मास्क को लगाने के बाद आपके 2 से 3 दिन तक बाल बिल्कुल फ्रेश रहने वाले हैं। दूसरा फायदा, बालों की फ्रिजीनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तीसरा, अगर आपको प्रीमेच्योर ग्रेन की प्रॉब्लम आ चुकी है तो हफ्ते में 2 बार इस पैक को जरूर लगाएं, यू विल गेट रिलीव्ड। अगर आपको हेयर फॉल की इश्यूज हैं, बहुत ज्यादा बाल झड़ते हैं, ट्राई करो, बेनिफिट आपको खुद दिखेगा। उसके अलावा अगर आपको स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है, बालों में शाइन नहीं है, डलनेस आ चुकी है, तब भी ये बेनिफिशियल है। स्कैल्प में बहुत ज्यादा इचिंग होती रहती है, खारिश होती रहती है, उस प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व कर देगा। बालों में वॉल्यूम नहीं है, बाल बिल्कुल बाउंसी नहीं है, पतले पतले से हो चुके हैं, तब भी उस प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर देगा। तो इतनी प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करेगा, आप इसको एक बार जरूर ट्राई करना, अगली बार आप खुद लगाओगे, क्योंकि इसको लगाने का कोई झंझट ही नहीं है, इतना इजी और देसी तरीका है, और चीजें भी कोई खास नहीं चाहिए, तो इसको ट्राई जरूर करना और रिजल्ट्स मेरे साथ जरूर शेयर करना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरी वीडियोस को अप्रिशिएट करते हो। ऐसी और वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। बाय बाय, लव यू ऑल।